हेलो दोस्तों, मंजित वाली में आपका स्वागत है। आज जानेंगे ई सिम कार्ड धारकों के मोबाइल पे एक मैसेज भेजा जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है ई सिम कार्ड धारक अपना वर्तमान पता अपडेट कराएं। जो वर्तमान पता उसमें भेजा जा रहा है, जो आ रहा है उसमें मैसेज के जरिए भेजा जा रहा है, उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोगों ने अपना आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराया हो, कोई एड्रेस बदलाव किया हो, जैसे एक दूसरे से जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे किया हो, या उसमें ई सिम कार्ड बनाते समय एड्रेस गलत हो गया हो, या किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, या कोई संशोधन कराना चाह रहे हो एड्रेस वगैरह का, तो अभी एड्रेस करेक्शन हो जाएगा। मार्च तक करेक्शन होगा, उसके बाद में मार्च के स्टार्टिंग में 1000 रुपये की किस्त भेजी जाएगी खातों में ई श्रम कार्ड धारकों के। और भी निरी योजनाएं जुड़ी हैं इससे ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेंगी ई श्रम। एक मैसेज भेजा जा रहा है, मैसेज ये है ई श्रम पर अपना वर्तमान पता अपडेट करें CSC या ESRIM.government.in पर जाके। यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है तो इस साइट से अपना ई सिम कार्ड अपडेट आधार कार्ड जो भी एड्रेस है आधार कार्ड के जरिए कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो CSE के जरिए कर सकते हैं, CSE के पास जाकर। और जिसका भी एड्रेस सही है वो परेशान ना हो, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो ही सही रहेगा। जो एड्रेस जो आपका पहले आपने जो दिया है वही सही रहेगा। अब जिसको लगता है कि हमारा एड्रेस गलत है कि हमें दोबारा अपडेट कराना है तो उन्हें अपडेट कराना होगा, और जिसका भी सही है तो उन्हें कोई ही ज़रूरत नहीं है, जो भी है सही वो ही चलेगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको समझ में आई हुई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए नमस्कार।